बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब हम रोल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंबाइनली लेके चलेंगे इन द कंबाइंड फॉर्म, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा आपने प्लस वन में पढ़ा था, मैं तुम्हें कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, क्लियर, यू हैव ए मिक्सचर ऑफ सम नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्लियर? तुम्हारे पास एक क्लोज कंटेनर के अंदर एक मिक्सचर होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। सपोज वी हैव ए मिक्सचर ऑफ दीस फाइव नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्लियर? और इस मिक्सचर के अंदर हम सपोज करते हैं कि कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है एक्स ए, इसकी एक्स बी, इसकी एक्स सी, इसकी एक्स डी, इसकी कितनी है एक्स ई, ये क्या है इनकी मोल फ्रैक्शन और ये क्या है कंपोनेंट्स नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्लियर? अब अगर हम सपोज करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर, जो कंपोनेंट ए है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है पी ए, बी का कितना है पी बी, सी का कितना है पी सी, और डी का कितना है पी डी, और ई का कितना है पी ई। क्लियर? देन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस इन दिस मिक्सचर, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पी ई। क्लियर? पी टोटल इज टोटल वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंड पी ए पी बी एंड सो ऑन आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दिस गैसेस इन दिस मिक्सचर। क्लियर? अब हमने प्लस बेटा प्लस वन में ही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, उस एप्लीकेशन में हमने एक रिजल्ट ड्राइव किया था, वो रिजल्ट क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट गैस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कॉम्पोनेंट इंटू टोटल प्रेशर, इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर? ये रिलेशन हमने प्लस वन में ड्राइव कर लिया था, यहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं कंपोनेंट ए के लिए, तो कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन में प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है पी ए। क्लियर? दिस पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन डेट कंपोनेंट, वो कितनी है एक्स ए, इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है पी टोटल। क्लियर? सिमिलरली वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर पी बी पी सी पी डी एंड पी ई ऑल्सो। क्लियर? दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? अब हम इसको रोल्स लॉ के साथ कुछ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सपोज वी हैव ए सॉल्यूशन, क्लियर, दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। क्लियर? ये नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। क्लियर? हम सपोज करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है एक्स ए और कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है एक्स बी। क्लियर? इन दोनों कंपोनेंट से हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन। क्लियर? ये क्या है इनकी मोल फ्रैक्शन एक्स ए, क्लियर, और एक्स बी। क्लियर? हम ये मानते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर कितना है पी वन, सॉरी पी ए, और कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर कितना है पी बी। इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर कितना है पी ए और कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर कितना है पी बी। क्लियर? देन बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ रोल्स लॉ वी कैन राइट पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट। क्लियर? लिख सकते हैं सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नोट। क्लियर? रोल्स लॉ में बेटा हमने यही पढ़ रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म, ये हमने पढ़ रखा है
रोल्स लॉ के बारे में, तो हमने यहां पर रोल्स लॉ ही अप्लाई किया है. क्लियर? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नोट. क्लियर? इसको हम इक्वेशन वन कहते हैं. क्लियर? अब तुम यहां पर देखो, ये है लिक्विड जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी. अब क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स को हम वोलेटाइल मान रहे हैं, वोलेटाइल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अबव द स्पेस, क्लियर, ओवर द लिक्विड. ये जो लिक्विड है इसके ऊपर जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा, इस स्पेस में क्या होगा, कॉम्पोनेंट ए और कॉम्पोनेंट बी के क्या होंगे, वेपर्स. कॉम्पोनेंट ए और कॉम्पोनेंट बी के क्या होंगे, वेपर्स. हम ये मानते हैं कि इनके वेपर्स में, क्योंकि वेपर्स ए के भी हैं और बी के भी हैं, हम मानते हैं कि लेट वाई ए बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ कॉम्पोनेंट ए. वाई ए को मानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड वाई बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ कॉम्पोनेंट बी. इस लिक्विड के ऊपर क्या होगा, स्पेस होगा, और स्पेस में क्या होंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के क्या होंगे, वेपर्स होंगे. हम मानते हैं कि वाई ए क्या है, कंपोनेंट ए के वेपर्स की मोल फ्रैक्शन. क्लियर? और वाई बी क्या है, कंपोनेंट बी के वेपर्स की मोल फ्रैक्शन. क्लियर? अब हम लिख सकते हैं, अगर तुम इस स्पेस के ऊपर, इस स्पेस में क्या है, दो गैसेज होगी वेपर्स ऑफ ए एंड वेपर्स ऑफ बी, इनके साथ अगर तुम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हो, क्लियर, ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, तो वी गेट बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्लियर, वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. क्लियर? अब वेपर्स वाले रीजन के अंदर कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है, वाई ए इनटू टोटल प्रेशर. क्लियर? टोटल प्रेशर को हम सपोज करते हैं कि पी टोटल से डिनोट करते हैं. क्लियर? हमने ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, यहां पर हमने अप्लाई कर दिया. लिक्विड के ऊपर क्या होंगे, वेपर्स होंगे. क्लियर? इस वेपर्स वाले रीजन को हमने मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मान लिया और ये एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया. क्लियर? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, क्लियर, इनटू टोटल प्रेशर. क्लियर? सिमिलरली हम ले सकते हैं पीबी इज इक्वल टू वाई बी इनटू पी टोटल. क्लियर? ले सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने टू बोल दिया. क्लियर? ऊपर वाली क्वेश्चन इसके लिए थी, रोड्स लॉ के लिए. क्लियर? नीचे इसके लिए थी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए. अब यहां पर तुम देख रहे हो पी ए और पी ए दोनों में सेम है. क्लियर? पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए, वो चाहे वो रोड्स लॉ में हो चाहे वो डाल्टन्स लॉ में हो. अब हम अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करते हैं यूजिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी कैन राइट एक्स ए इंटू पी ए नोट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल. लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए की वैल्यू ये भी होती है, पी ए की वैल्यू ये भी होती है. क्लियर? इन दोनों को हमने सेम रख दिया, एक्स ए इंटू पी ए नोट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल. क्लियर? सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्लियर, एक्स बी इंटू पी बी नोट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल. लिख सकते हैं बेटा. क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं. क्लियर? वी गेट वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट डिवाइडेड बाय पी टोटल. क्लियर? सिमिलरली वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नोट डिवाइडेड बाय पी टोटल. क्लियर? ये एक्सप्रेशंस किसके लिए है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर स्टेट. क्लियर? एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर स्टेट. क्लियर बेटा? कंफ्यूज मत होना, एक्स ए क्या है, कंपोनेंट ए की लिक्विड में मोल फ्रैक्शन.
क्लियर। और वाई ए क्या है, कंपोनेंट ए की वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली एक्स बी क्या है, कंपोनेंट बी की लिक्विड मोल फ्रैक्शन। और वाई बी क्या है, वाई बी क्या है, कंपोनेंट बी की वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन। क्लियर। अब अगर हम सपोज करते हैं कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल, कंपोनेंट ए जो है बी के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है। अगर कंपोनेंट ए ज्यादा वोलेटाइल होगा इसका मतलब पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी नोट बी। क्लियर है, मानते हो सभी? अगर कंपोनेंट ए को हम ज्यादा वोलेटाइल मानते हैं तो पी नोट ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी नोट बी। क्लियर। अब अगर पी नोट ए ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वाई ए की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेट ऑफ वाई बी। क्लियर। अगर कंपोनेंट ए को ज्यादा वोलेटाइल मानोगे तो कंपोनेंट ए के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, अगर इसके ज्यादा वेपर्स बनते हैं इसका मतलब कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अब इसको दूसरी तरफ से हम मोड़ के देखते हैं, अगर कंपोनेंट ए के वेपर्स ज्यादा बने हैं, क्लियर, तो इसका मतलब उसकी वेपर स्टेट में तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, मगर लिक्विड स्टेट में उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। क्लियर। आल्सो एक्स ए इज लेस देन एक्स बी। क्लियर। इसकी वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी मगर लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। क्लियर। इसी तरह अगर हम कंपोनेंट बी को ज्यादा वोलेटाइल मानते तो वाई बी की वैल्यू ज्यादा होती और एक्स बी की वैल्यू क्या होती, कम होती। क्लियर। दीज टू एक्सप्रेशन विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रोल्स लॉ। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट्स?